हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जीनोमिक लाइब्रेरी। स्टूडेंट, टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है और है भी आसान। तो जो हम स्टार्ट करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी को, तो जीनोमिक लाइब्रेरी को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि लास्ट टाइम ना आपके पास ये एक बैक्टीरिया की बॉडी थी। ठीक है जी, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। ये बैक्टीरिया की बॉडी थी और इसकी बॉडी के अंदर ना ये था प्लाज्मिड। और आपको पता है कि प्लाज्मिड के अंदर आपने बाहर से डीएनए डाला था, किसी और बॉडी से डीएनए लाया था जो प्लाज्मिड के अंदर डाला था। समझ आ रही है? तो इसको हमने कौन सा डीएनए बोला था? ट्रांसजेनिक या काइमेरिक डीएनए हमने बोला था, और हाइब्रिड डीएनए, सॉरी हाइब्रिड डीएनए या काइमेरिक डीएनए हमने इसको बोला था। इसके साथ ना ये बैक्टीरिया है, और इसके साथ हमने बैक्टीरियोफेज को भी देखा था। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने क्या चीज़ स्टडी की थी कि आपको पता है, इसको हमने लैम्डा फेज कहा था। हमने देखा था कि इसके अंदर ना ऐसे डीएनए हैं। अब वो जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर हमने लगाया हुआ है बाहर से डीएनए जो बाहर से आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास था बैक्टीरियोफेज। ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो आपको पता चल गया कि बैक्टीरियल बॉडी या बैक्टीरिया है जिसके अंदर आपने बाहर से डीएनए को इंसर्ट किया। दूसरा आपके पास है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज भी वो है जिसके अंदर आपने बाहर से डीएनए को इंसर्ट किया हुआ है। ओके, अच्छा, दोनों चीज़ों के बारे में समझ आ गई आपको। अभी हम चलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। स्टूडेंट, जीनोमिक लाइब्रेरी को ये एक्सप्लेन करने से पहले एक वर्ड है जीनोम। जीनोम क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल जीन होते हैं ना, उसको कम्प्लीटली हम क्या बोलते हैं? जीनोम। समझ आ रही है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले जो टोटल जीन हैं, उनको हमने कलेक्टिवली बोलना है जीनोम। जब भी हम जीनोम की बात करते हैं, तो ऐसे ही आपके पास आ गया जीनोमिक। इसका मतलब है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम जीन के बारे में बात की जा रही है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का स्टूडेंट आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी में बुक लाइब्रेरी होगी, जिस जगह पे बेशुमार बुक्स हैं। जब आपका दिल चाहता है, आप सर्च करके वहाँ से बुक को निकालते हैं और पढ़ते हैं। इसका मतलब है जीनोमिक लाइब्रेरी में बुक तो नहीं हो सकती, इसमें जीन होंगे, डिफरेंट जीन। वो जीन आपके पास पड़े हुए हैं इकट्ठे, जब आपका दिल चाहे आप उनमें से कोई भी अपनी मर्जी का जीन जो रेलेवेंट है, जिसको आपने रीड करना है या जिसकी आपने स्टडी करनी है, आप वो लेंगे। लेने के बाद उसकी फर्दर जो है आप प्रोसीडिंग करेंगे, उसकी फर्दर स्टडी करेंगे, तो उस लाइब्रेरी को हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी। अब हम मैं इसको ज़रा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे होती है, आपने उसमें से कैसे अपने रेलेवेंट जीन को निकालना है और कैसे कैसे आगे प्रोसेस करना है। देखें जी, सबसे पहले स्टूडेंट बात इस तरह है कि मेरी बॉडी के अंदर होमोसैपियन जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि 40,000, 40,000 से ज़्यादा जीन इसमें से डिस्कवर्ड हो चुके हैं, बल्कि इससे ज़्यादा। ये 2-3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। 40,000 जीन जो हैं डिस्कवर्ड हुए हैं ह्यूमन के एक सेल के अंदर। अब मेरी बॉडी से एक जीन निकाल लिया, अब निकालने के बाद हम क्या करते हैं? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक जीन की आप कॉपी बना लेते हैं, ताकि आपसे अगर एक आध जीन ज़ाया भी हो जाए तो पीछे उसकी कॉपी मौजूद हो। समझ आ रही है? बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया कि अगर हमारी बॉडी से 40,000 जीन एक करके निकाल लिया है, ठीक है, निकालने के बाद वो तमाम जीन स्टोर हैं। जब हमारा दिल चाहे उन 40,000 जीन में से हम जीन निकाल लेते हैं, तो वो स्टोर कहाँ पे हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर। अब वो कैसे स्टोर हैं, उसके क्या स्टेप हैं, उसकी क्या रीज़न है, उन तमाम को हमने डिस्कस करना है। बात इस तरह है कि आपको पता है कि जब आप कोई भी जीन निकालते हैं, तो जीन को इंसर्ट करते हैं वेक्टर के अंदर, मीन प्लाज्मिड के अंदर। तो प्लाज्मिड को किसके अंदर डाल देते हैं? बैक्टीरिया के अंदर। या फिर इसमें ना डालें तो फिर आप किस में जीन को डालते हैं? बैक्टीरियोफेज में। समझ आ गई है? हमारे पास ना जब भी आप जीन निकालते हैं बॉडी से, तो ये मेरे पास जीन है जी ए, ठीक है जी, ये जीन है जी बी, इसी तरह ये जीन है जी सी।
इसके ऊपर जो सीक्वेंस होगा वो होगा एडेनिन, गवानिन, थायमिन, साइटोसिन, 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 एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। जीन बेसिकली डीएनए के टुकड़े होते हैं और डीएनए के ऊपर आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड हैं। अब हम क्या करते हैं कि उसको ना हमने वेक्टर में रख के ना वेक्टर को या बैक्टीरिया को रख दिया जी पैटी डिश के अंदर। अब आपको पता है इस ये जो पैटी डिश है इसके अंदर वो बैक्टीरिया ग्रो भी करेंगे, ग्रो करने के बाद वो अपनी कॉपीज जो हैं उनको भी बनाएंगे। ठीक है, इन बैक्टीरिया के अंदर ए जीन भी है, बी भी है, सी भी है। वैसे तो 40,000 होते हैं लेकिन मैं इन तीनों की एग्जांपल, कुछ बैक्टीरिया में ये वाला जीन है, कुछ में बी वाला है, कुछ में सी वाला है। समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से बी वाला जीन निकालना है। कौन सा? बी वाला। तो बी वाला जीन निकालने के लिए ना हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉब। हम पर्टिकुलर प्रॉब होती है, प्रॉब का मतलब होता है जीन को आइडेंटिफाई करना। अब ये प्रॉब क्या है? प्रॉब भी स्टूडेंट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बी वाला जीन आइडेंटिफाई करना है तो सी सी किसके साथ बॉन्ड बनाता है? जी के साथ। ये मेरे पास प्रॉब है क्योंकि जब मैंने डीएनए ये जो ये वाला जो डीएनए का टुकड़ा जब मैंने वेक्टर के अंदर या प्लाज्मिड के अंदर डाला उस वक्त मैंने इसका सीक्वेंस फाइंड कर लिया था, मुझे पता चल गया था कि बी का सीक्वेंस ये है। तो फिर बी की मैंने साथ क्या बना के रख ली थी? प्रॉब भी, कि कल को जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी बी की तो मैं ये वाली प्रॉब यूज़ करूँगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये जो प्रॉब है ना ये बेसिकली रेडियो एक्टिव है, ये जो है रेडिएशन रिलीज करती है या ये फ्लोरेसेंट है। होगा क्या, इस पैटी डिश के ऊपर ना मैं ये पैटी डिश है, पैटी डिश ये मेरे पास ना एक मेम्ब्रेन है, हम इसको नाइट्रोसेल्युलेज मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन कैसे, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे पास ना अगर यहाँ पे एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर जेल है, जेल पे बैक्टीरिया ग्रो हैं, इसके ऊपर मैं ऐसे कपड़ा रखूँ, कपड़ा रखने के बाद जब कपड़े को उठाऊंगा तो वो कुछ जेल जो है वो कपड़े के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, अब उस जेल के ऊपर बैक्टीरिया भी होंगी, वो बैक्टीरिया भी किसके साथ जुड़ जाएंगे? ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है या कपड़ा है इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही स्टूडेंट जब हम बात करते हैं, ये जो मेम्ब्रेन थी इस मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे बैक्टीरिया अटैच हो चुके हैं, इसमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिन पे ए वाली जीन मौजूद है, कुछ में बी है, कुछ में सी है, क्योंकि अटैच जो मेम्ब्रेन के ऊपर हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैं ना इसके ऊपर प्रॉब डालूंगा। प्रॉब कौन सी डालनी है? बी वाली, क्योंकि सॉरी प्रॉब कौन सी डालनी है? बी वाली, क्योंकि कौन सा जीन मुझे निकालना है? बी। मैं ना जब इस पे डालूंगा ना प्रॉब, वो जो प्रॉब है ये जो जी जी सीक्वेंस है इन तीनों में से किसके साथ बॉन्डिंग करेगा जाके? बी के साथ, क्योंकि यहाँ पे सी सी सी, और आपको पता है कि गवानोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना साइटोसिन के साथ, एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। समझ आ रही है। जब ये फ्लोरेसेंट, जब ये मेरे पास प्रॉब जो है रेडियो एक्टिव इसके साथ जुड़ जाए, इसके साथ जुड़ जाए तो यहां से रेडिएशन रिलीज होगी। जब ये रेडिएशन रिलीज होगी तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि जीन बी इन बैक्टीरिया के अंदर है। अब मैं उन बैक्टीरिया को निकाल के ना नेक्स्ट आगे फर्दर ग्रो करवाऊंगा, तो आगे जो ग्रो करवाऊंगा उन तमाम में कौन सा जीन होगा? बी वाला, क्योंकि ए और सी तो पीछे रह गया, मेरे पास जस्ट कौन सा है? बी वाला। अब बी वाला जो इसके अंदर होगा, यहाँ पे बेशुमार बैक्टीरिया में बी जीन होगा, मैं जितना मर्जी निकालूँ उसको, जितना मर्जी यूज़ करूँ, तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? जीनोमिक लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी आपको कि ईच कैरिंग पार्टिकुलर डीएनए, मीन के हर बैक्टीरिया के अंदर पार्टिकुलर डीएनए है जो हमने इंसर्ट किया हुआ है, उसको निकालने के बाद आप नेक्स्ट उसको एगर पेटी डिश में फर्दर ग्रो कर सकते हैं ताकि उनकी मैक्सिमम कॉपी बने जी। तो स्टूडेंट फिर आज वाले टॉपिक की आपको कुछ समझ आई है कि हमारा जो आज का टॉपिक जो है जीनोमिक लाइब्रेरी, उसमें बेसिकली जीन सेव हैं, जब ज़रूरत पड़े अपनी मर्जी से जीन निकाल लेने हैं और चेक भी कर लेना है किसके ज़रिए? प्रॉब के ज़रिए। प्रॉब बेसिकली क्या होती है? रेडियो एक्टिव। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर अपना जो लेक्चर है वो वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।